दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला मटन कोरमा। शादियों में आप जाते हैं तो बहुत ही चाव से खाते हैं, तो घर में बनाएंगे तो बड़े बच्चे तक उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं डेगी स्टाइल मटन कोरमा। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका दानिश फूडी हिंदी में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं डेगी स्टाइल मटन कोरमा। डेगी स्टाइल मटन कोरमा बनाने से पहले हमें प्याज को कर लेना है डीप फ्राई। प्याज को डीप फ्राई करने के लिए हमें कढ़ाई ले लेना है, कढ़ाई को चढ़ा देना है गैस में। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। चलिए अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दो प्याज मीडियम साइज, जिनको हमने बारीक और लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। चलिए अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन। चलिए दोस्तों अब हम प्याज को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। ये देखिए दोस्तों प्याज अपनी फ्राई हो चुकी है गोल्डन ब्राउन। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो प्याज को हमें प्लेट में निकाल लेना है। चलिए अब हम जल्दी से इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए प्याज को हमने डीप फ्राई कर लिया है। जब प्याज डीप फ्राई हो जाएगी तो हमें इसको मिक्सर से पीस लेना है। प्याज को हम दरदरा पीसेंगे। अब हम इसी ऑयल में ऐड कर देंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, और आपको ऑयल कम या ज़्यादा लगे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। खड़े गर्म मसाले में हमने लिया है दो तेज पत्ते, एक चक्री फूल, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, दो बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 4 लौंग। चलिए अब हम ऑयल में खड़े गर्म मसाले ऐड कर देते हैं। खड़े गर्म मसाले ऐड करने के बाद हल्का सा हम इसको सौटे कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। ये हमने आधा किलो मटन लिया है, मटन को हमने अच्छे से धुल लिया है। चलिए अब हम मटन ऐड कर देते हैं इसमें। मटन ऐड करने के बाद मटन की हमें अच्छे से भुनाई कर लेना है। मटन की हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। चलिए अब हम इसकी जल्दी जल्दी भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मटन की हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है, और मटन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पिसे मसाले। पिसे मसालों में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच पिसा मिर्चा, 1.5 चम्मच पिसी धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद पेस्ट की और मसालों की हमें अच्छे से भुनाई कर लेना है। दोस्तों मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे, हमें मसालों की जब तक भुनाई करना है जब तक मसालों से ऑयल नहीं रिलीज हो जाता है। तो चलिए अब हम मसालों की जल्दी जल्दी भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मसालों की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, और मसालों से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। जब मसालों की अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे डीप फ्राई करी हुई प्याज का पेस्ट। ये वही प्याज का पेस्ट है जो हमने प्याज को डीप फ्राई किया था। चलिए अब हम इसको ऐड कर देते हैं। डीप फ्राई प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद पेस्ट को भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। चलिए अब हम इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक पका लेते हैं। दोस्तों 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और प्याज का पेस्ट भी हमने पका लिया है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये हमने प्लेन दही लिया है 150 ग्राम। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही ऐड करने के बाद दही को भी हम कोरमे में अच्छे से पका लेंगे। दही को हम जब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी ना जल जाए और दही का दाना ना बन जाए। दोस्तों हम दही को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। चलिए अब हम इसको पकने देते हैं जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है और दही का दाना नहीं बन जाता है। हमें दही को जब तक पकाना है। ये देखिए दोस्तों दही का पानी पूरी तरीके से जल चुका है और दही का दाना बन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। जब अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमें इसमें ऐड करना है तकरीबन 1 गिलास। चलिए अब हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद हल्का से इसको हम चम्मच से चला लेंगे। चलाने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और 35 से 40 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको हम पकने देंगे। बीच में हमें इसको 1 से 2 बार चेक कर लेना है। चलिए अब हम वेट करते हैं 35 से 40 मिनट तक।
दोस्तों कोरमे को पकते हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद मटन को हमें चेक कर लेना है, मटन अपना अच्छे से गल चुका है कि नहीं। चलिए अब हम एक मटन का पीस उठा लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। मटन का पीस उठाने के बाद हमें इसको छुरी की सहायता से चेक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मटन का पीस अपना अच्छे से गल चुका है। जैसे कि नहीं गलता है तो आप इसको थोड़ा और पका सकते हैं जब तक ये गल नहीं जाता है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम का पेस्ट। उसके लिए हम 20 काजू ले लेंगे और 7 से 8 बादाम ले लेंगे। इसको आधा कप दूध में डाल के हमें इसका मिक्सर से फाइन पेस्ट बना लेना है। चलिए अब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों काजू और बादाम का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। चलिए फिर हम ऐड कर देते हैं कोरमे में पेस्ट। काजू और बादाम का पेस्ट ऐड करने के बाद हल्का सा इसको हमें चला लेना है। चलाने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। ये हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। आपको जैसा तीखा पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकते हैं। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हल्का सा इसको हमें चला लेना है। चलाने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। दोस्तों 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच पिसा गरम मसाला और थोड़े से धनिया पत्ते। चलिए हम इसमें धनिया पत्ते भी ऐड कर देते हैं। धनिया पत्ते ऐड करने के बाद हल्का सा इसको हमें चला लेना है। चलाने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में हम इसको पकने देंगे। चलिए अब हम वेट करते हैं 2 से 3 मिनट तक। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कोरमे को पकते हुए। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलते साथ फाइनली अपना डेगी स्टाइल मटन कोरमा तैयार है। दोस्तों अब इसकी ग्रेवी देखिए दानेदार और कितनी ही लाजवाब लग रही है। और आप इसके मटन के पीसेस देखिए एकदम जूसी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। और दोस्तों इस रेसिपी को आप घर में जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये शादियों वाला मटन कोरमा बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी होता है। बड़े तो बड़े बच्चे तक उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। और दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको डेगी स्टाइल मटन कोरमा कैसा लगा कमेंट करके आप हमको जरूर से जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।